और थर्ड स्टेज होती है कोड जनरेशन। कह रहे हैं द कोड जनरेशन स्टेज प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम टू परफॉर्म द टास्क डिफाइंड इन द सोर्स कोड। अब इसमें कह रहे हैं द प्रोग्राम मस्ट बी सिंटैक्टिकली करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम टू, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की जा रही है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो उसमें कोई सिंटेक्स एरर ना हो, अगर आपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज इन मशीन रीडेबल फॉर्म, ये मशीन रीडेबल फॉर्म होता है यानी बाइनरी फॉर्म होता है, और यही फाइल जो होती है वो रन होती है ऑन मशीन। इट इज नो लॉन्गर इन अ फॉर्म दैट इज डिजाइन टू बी रेडी बाय रीड बाय ह्यूमन, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज ऑनली अंडरस्टूड बाय मशीन, बट दिस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज आइदर इन मशीन कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू और इन एन इंटरमीडिएट फॉर्म दैट इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म में होगी जो जिसने भी प्रोग्राम कोड के अंदर कन्वर्ट होना होगा, द लेटर ऑप्शन अलाउ ग्रेटर, ऐसा हम ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। जी सर, और ये भी हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी शायद पढ़ लिया था। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन स्टेज सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइन्स को हम कम करते हैं, यानी अगर लेस लाइन में काम हो सकता है, लेस नंबर ऑफ लाइन के साथ कोड बन सकता है, तो हमें क्या जरूरत है मोर लाइन ऑफ कोड के साथ। ऑप्टिमाइज प्रोग्राम शुड परफॉर्म द टास्क यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, दीज इंक्लूड टाइम स्टोरेज स्पेस मेमोरी एंड सीपीयू। तो सम ऑप्टिमाइज कैन टेक प्लेस आफ्टर द सिंटैक्स एनालिसिस और एज पार्ट ऑफ कोड जनरेशन, किसी भी स्टेज पे जो है ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी भी है, अब ये ओरिजिनल कोड ये है डब्ल्यू इज इक्वल एक्स प्लस वाई, इसका ये ऑब्जेक्ट कोड ये जनरेट हुआ है, वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसकी तीन लाइनें क्रिएट हुई इसमें, यानी ओरिजिनल कोड एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी ऑब्जेक्ट कोड सात लाइनों पर चल रहा है। ऑप्टिमाइज कोड क्या है, सी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और वी इज इक्वल टू, अब चूंकि ये इसका रिजल्ट डब्ल्यू में आ गया है तो दोबारा से एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने की ज़रूरत नहीं है, वी प्रोड्यूस करने एक्स प्लस वाई का रिजल्ट यहाँ आ गया है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज करके डब्ल्यू प्लस सेट कर देंगे तो भी आ जाएगा ना। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब यानी दो यहाँ सात सात लाइनों पर कोड चल रहा है, यहाँ पे पांच लाइनों पर कोड चल, ये ऑप्टिमाइज हो, समझ आए बात। ओके सर जी जैसे ये जी इन्होंने यहाँ पे बताया कि ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, द एडिशन एक्स प्लस वाई इज ओनली परफॉर्म वंस, इसको दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, एंड द सेकंड एडिशन कैन मेक यूज ऑफ द वैल्यू डब्ल्यू स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर। ऑप्टिमाइजेशन कैन ओनली वर्क इफ द टू लाइन ऑफ कोड आर टूगेदर एंड इन दिस ऑर्डर इन द प्रोग्राम। द टास्क ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज ऑफ कंपाइलेशन, नॉट एवरी कंपाइलर इज एबल टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस फॉर एवरी सोर्स फॉर्म, यानी ये लाजमी नहीं है कि हर कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइज कर सके, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल वेरी सिंपल दी हुई, लेकिन ये कोड काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो उनको ऑप्टिमाइज करना डिफिकल्ट होता है। बेटर ऑप्शन ये होता है कि प्रोग्रामर खुद एक ऑप्टिमाइज कोड जनरेट करें, ठीक है। तो मशीन भी इसको ऑप्टिमाइज करेगी, कंपाइलर इसको ऑप्टिमाइज करेगा, लेकिन बेटर ऑप्शन ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो कि आपका कोड ऑप्टिमाइज ऑल पहले से ही ऑप्टिमाइज। ओके सर अब यहाँ से इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आउटलाइन द रीजन वाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम मे नीड टू यूज वर्चुअल मेमोरी। पीछे पढ़ा था हमने वर्चुअल मेमोरी, यहाँ पे हमने जी रीजन बताया है। ओके सर ठीक है, तो यहाँ बताना है कि वर्चुअल मेमोरी जो हार्ड डिस्क में या सॉलिड स्टेट रैम में क्रिएट होती है उसको उसकी ज़रूरत ऑपरेटिंग सिस्टम की पड़ती है, और फाइंड द रीजन व्हाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर अब देखो वर्चुअल मेमोरी यूज व्हेन रैम इज रनिंग, वर्चुअल मेमोरी जरूरत से होती है जब रैम जो है इनसफिशेंट हो जाए, जब उसके अंदर डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी, तो ये रैम है। अब आप जितनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे एक एक एरिया तो ओएस ले रहता है, एक एरिया जो है ना वो ओएस ले रहता है। अब आपने वर्ड खोला उसने स्पेस ले ली, इंटरनेट खोला उसका एक टैब नहीं, अब आप इंटरनेट में टैब खोलते जा रहे हैं, ब्राउजर में टैब खोलते जा रहे हैं, इससे क्या होता है ये स्पेस लेता जा रहा है। अब आप खोलते जा रहे हैं इसको ना ओपन और फर्दर ऑपरेशन ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर जो स्पेस बारो करेगा ना वो हार्ड डिस्क से बारो करेगा, उस स्पेस को हम कहते हैं वर्चुअल। दैट इज व्हेन अ कंप्यूटर इज रनिंग मैनी प्रोसेसर, अब यहाँ बहुत सारे प्रोसेसर हैं,
वर्चुअल मेमोरी मे बी यूज फॉर एफिशियंट यूज ऑफ रैम और द प्रोसेसर सच एज इफ डेटा और प्रोग्राम आर नॉट इमीडिएटली नीडेड दे कैन बी मूव फ्रॉम रैम टू वर्चुअल। ठीक है ना, अगर रैम में यानी आप 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आप ज़्यादा एक वक्त एक ही पेज पर काम कर सकते हैं, तो बाकी 99 पेज तो बेकार हो गए, मतलब ऑफलाइन हो गए, तो वो जी जो सर, अनयूज है उन अनयूज पेज को वो वर्चुअल रैम में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि रैम फ्री हो जाए, किसी और को एक्सेस चाहिए तो रैम ओके को क्या, क्योंकि सीपीयू जो है वो डेटा पिक सर, करेगा, इंस्ट्रक्शन पिक करेगा, वो रैम से पिक करेगा। ठीक है, ओके सर, एक सेकेंड और। ओके, सारे पॉइंट समझ में आ गए। जी सर, अब ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच डिस्क थ्रैशिंग कुड अकर। अब डिस्क थ्रैशिंग क्या है कि डिस्क थ्रैशिंग क्या है कि ये जैसे अब ये एक रैम है ना, ठीक है, ये रैम और ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो होती है ना वो चलती है मैकेनिकल पार्ट्स में। अब रैम से हम वापस इधर आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब जब भी जितनी टाइम भी रैम एक्सेस करेगी वर्चुअल रैम के लिए हार्ड डिस्क को और यानी उसकी स्पेस को, अभी ये स्पेस है, ये एज ए रैम, एज ए वर्चुअल रैम मेमोरी यूज होती है। अब इसको जितनी टाइम भी एक्सेस किया जाएगा इससे डिस्क की मूवमेंट होगी। ठीक है ना, बार बार डिस्क मूव होगी, इससे एक डेंजरस एक्टिविटी हो सकती है जिसको कहते हैं डिस्क क्रैश। ठीक है ना, ओके सर, यानी डिस्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि तो वहां पे ना मैनुअल मूवमेंट हो रही है, मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है, और रैम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, ये लिखा हुआ है। जी सर, डिस्क थ्रैशिंग इज अ प्रॉब्लम दैट मे अकर व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर बिटवीन मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी टेक प्लेस। पहले से बता रहे, डिस्क थ्रैशिंग इज अ प्रॉब्लम दैट मे अकर व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी टेक प्लेस, और डिस्क थ्रैशिंग इज अ प्रॉब्लम दैट मे अकर वैन वर्चुअल मेमोरी इज बींग यूज। यानी कब होगा, जब आप वर्चुअल मेमोरी को बार बार यूज करेंगे। एज मैनी मेमोरी फिल्स एज मेन मेमोरी फिल्स मेन मेमोरी का मतलब रैम, मोर पेजेस नीड टू बी स्वैप इन एंड आउट ऑफ सेकेंडरी और वर्चुअल। तो जितनी ज़्यादा रैम फिल होती जाएगी वो आपको मोर यानी वर्चुअल मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पेजेस आपके इन और आउट होंगे। तो दिस स्वैपिंग लीड्स टू अ वेरी हाई रेट ऑफ हार्ड डिस्क हेड रूम। तो क्योंकि ना ये क्योंकि मैं एक जो डिस्क होती है माउंटेड होती है ऑन स्पिंडल, तो बार बार जब आप उसको एक्सेस करेंगे वेरी फ्रीक्वेंटली, तो उससे क्या होगा कि वो बार बार रोटेट करें। इवेंचुअली मोर टाइम इज स्पेंट स्वैपिंग द पेजेस और डेटा देन प्रोसेसिंग द डेटा। तो स्वैपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, और स्वैप करने में टाइम लगेगा, इससे डिस्क थ्रैशिंग इंकर्ड हो सकता ओके है। सर, आप इसमें देखो कोई मैच कर सकते हो। जी सर, ट्राई कर देता हूँ। इसी पे ट्राई करो, ओके सर,
मल्टीटास्किंग को मैच करो। हाँ मल्टीटास्किंग किससे मैच करेगा? सर एक मिनट, सर ये मल्टीटास्किंग ये थर्ड वाले से करेगा, थर्ड वाला कौन ये सा? मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी प्रोग्राम्स। यस सही है, बिल्कुल सही है। जिसको हम मैच कर देंगे किसके साथ? ओके पेजिंग। जी सर, पेजिंग सर पेजिंग ये लोकेटिंग नॉन कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ डेटा एंड रिलोकेटिंग करने वाला है। नहीं, पेजिंग होता है लास्ट वन वाला। रीडिंग और ओके राइटिंग सेम साइज ब्लॉक का पेज, पेज बिल्कुल सेम साइज का होता है। प्रॉम्प्ट और सर, टू सेकेंडरी स्टोरेज व्हेन रिक्वायर्ड, ओके ठीक है। इंटरप्ट हैंडलिंग, इन दो के अलावा जो होती है चेक कर दो। सर ये इंटरप्ट हैंडलिंग ये सेकंड लास्ट वाला है, ये जो पेजिंग वाले से पहले हाँ वाला है। जी ये वाला, ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर जी रूटीन व्हेन अ सर्विस इज रिक्वायर्ड। तो इंटरप्ट जब ही आता है ना, जब किसी को टेंशन चाहिए कि प्रोसेसर की, ठीक जी है। स्केड्यूलिंग, शेड्यूलिंग ये क्या कहते हैं, हाँ सर मैं पहले वर्चुअल मेमोरी बताता हूँ, इसका फर्स्ट वाला है वर्चुअल मेमोरी का, हाँ चलो ये बताओ। वर्चुअल मेमोरी फर्स्ट इसका फर्स्ट वाला है। जी वाला है ऊपर से। हाँ जी ये है, यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टिमुलेट एडिशनल मेमोरी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। जी जी अब रहेगा स्केड्यूलिंग। सर स्केड्यूलिंग ये सेकंड वाला है, मैनेजिंग द प्रोसेस रनिंग ऑन द सीपीयू। जी हाँ ठीक है, मैनेजिंग द प्रोसेस रनिंग ऑन द सीपी। सिर्फ मेरे ख्याल ये नहीं कहीं मैच पर, ठीक है, बाकी जी सारे जी मैच, ठीक है। हाँ ये अब इसका आंसर जो इसका आंसर क्या होगा?
हाँ तो समझ में है, ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ एन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट प्रोड्यूसिंग अ कंप्लीट ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ इट। ओके तो ये इसका आंसर है। ये कह रहा है एन इंटरप्रेटेड एग्जामिन सोर्स कोड ऑन वन स्टेटमेंट टाइम, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, जी चेक ईच स्टेटमेंट फॉर एरर। ओके चेक ईच स्टेटमेंट फॉर एरर्स, इफ नो एरर इज फाउंड द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इफ एन एरर इज फाउंड दिस इज रिपोर्टेड एंड द इंटरप्रेटर हॉल्ट्स। तो जैसे लाइक किसी लाइन में एरर आता है ना, तो ये उसी लाइन पे होल्ड हॉल्ट हो जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ता जब तक आप उस लाइन को क्लियर नहीं करेंगे, उसका सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं करेंगे, ये आगे नहीं जाएगा। इंटरप्रिटेशन इज ओके सर, रिपीटेड फॉर एवरी आइटरेशन इन रिपीटेड सेक्शन ऑफ कोड और इन लूप, और अगर कोई लूप चल रहा है तो वो उसमें हर दफ़ा रिपीट करेगा अपने आप। इंटरप्रिटेशन हैज़ टू बी रिपीटेड एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन, ठीक है, जब भी चलाओगे तो ये प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम रन करोगे तो ये इंटरप्रिटेशन जो है ना हर दफ़ा हो, ये इसकी लाइन ऑफ कोड है। ओके सर जी, समझ आ गई बात? अब इसका देखो, जी सर, एक सेकेंड बोलते ओके सर, हाँ भाई इसमें लेक्सिकल एनालिसिस कौन सा है? एक मिनट सर, ओके सर, ये लेक्सिकल एनालिसिस ये लास्ट वाला है लास्ट वाला कौन सा है? ये वाला यूजिंग जी। पार्सिंग नहीं, ये है कन्वर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन। यहाँ पे टोकनाइजेशन होती है ना, यहाँ पे हम हर इंस्ट्रक्शंस को एक टोकन असाइन कर रहे होते हैं, हर कैरेक्टर को एक ओके टोकन असाइन कर रहे होते हैं, सीक्वेंस नंबर। ये लिखा है जी, कन्वर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन, यानी कैरेक्टर को टोकन में कन्वर्ट कर देते हैं, टोकनाइजेशन कहते हैं। वो याद है जहाँ पे हम नंबरिंग असाइन कर रहे थे, 31, सर 33, 32, कीवर्ड्स के अलग होते हैं और वेरिएबल्स के अलग होते हैं, तो एक पूरा सीक्वेंस बन जाता ओके सर सर फिर ये है। सिंटेक्स एनालिसिस, ये कन्वर्टिंग एंड इंटरमीडिएट वाला, ये सेकंड वाला। कन्वर्टिंग इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ सोर्स कोड इनटू, नहीं सिंटैक्स एनालिसिस ये होगा ना,
यूजिंग पार्सिंग एल्गोरिथम टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ टोकन। यहाँ पे हम जब हमारे लेक्सिकल एनालिसिस हो जाता है ना, तो हमारी एक और वर्किंग होती है सिंटैक्स करेक्शन। तो सिंटैक्स, अब ये जो टोकनाइजेशन होती है और जो सिंटैक्स की फाइल होती है, इनको यहाँ पे पार्स करते हैं, यानी एक दूसरे से मैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था, मैं देखता हूँ सर, पीछे। मगर इसमें वो नहीं होता कि क्या कहते हैं, जो एरर्स होते हैं उनको सही करता है ये, हाँ मगर तो यही है ना, यूजिंग पार्सिंग एल्गोरिथम, कह रहा ना, यूजिंग पार्सिंग एल्गोरिथम टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ टोकन। मतलब और टोकन्स ये, को वो कन्वर्ट करता है। हाँ एक ओके सेकंड में पीछे मूव करता हूँ, पीछे जाते हैं, जो हम पढ़ा था ना, ये यहीं पे आ जाएगा। ये ना लेक्सिकल मैसेज नीचे सिंटैक्स, जी इज द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलर। इन दिस स्टेज आउटपुट फ्रॉम द लेक्सिकल मैसेज इज चेक फॉर ग्रामेटिकल सिंटैक्स एरर। जो जी सिंटैक्स लेक्सिकल मैसेज आउटपुट आया था ना, उसके जो सिंटैक्स एरर, तो यहाँ पे रिमूव किया जाता है। अब जैसे जेड कह रहा है, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब जेड का कोड है 83, ठीक है, जेड का कोड क्या है, 83 है। प्लस का 02 है, एक्स का 81 है, प्लस का 02 है, और वाई का 83। अब कह रहे एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इक्वल असाइन नहीं हुआ यहाँ पे, तो अब कह रहा है 01 एक्सपेक्टेड। तो कहीं पे ये इक्वल आना था, जिसका कोड 01 है, ठीक है, तो वो ओके यहाँ सर, पे इसको करेक्ट करेगा, तो ओके सर, करेक्ट करेगा। और ये देखो इधर एक पिक्चर नहीं है, तो बुक में होगी। नहीं ये पिक्चर नहीं, बराबर मैं देखता हूँ। बहरहाल ठीक है ना, तो वो जो स्टेज है ना पार्सिंग वाला, सिंटैक्स एनालिसिस से मैच कर, यूजिंग पार्सिंग एल्गोरिथम टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ टोकन। ये टोकन की मीनिंग क्या है, यहाँ पे सिंटैक्स को भी करेक्ट किया जाएगा, और उसका जो टोकनाइजेशन होता है उसकी मीनिंग को भी डिफाइन करेगा, ओके ठीक है। और ये लेक्सिकल एनालिसिस किसके साथ था, थर्ड वन के साथ। कोड सर, जनरेशन क्या है, ये सेकंड वाला है, इनवर्टिंग हाँ एंड इंटरमीडिएट हाँ रिप्रेज। कन्वर्टिंग एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, तो ये इससे मैच कर जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये फर्स्ट वाला है, मिनिमाइजिंग हाँ प्रोग्राम्स बिल्कुल एग्जीक्यूशन ठीक है, टाइम। मिनिमाइजिंग अ पर्सन एग्जीक्यूशन टाइम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट। तो नंबर ऑफ लाइन कम कर देगा, ऑप्टिमाइज कोशिश करेगा कि जी सर, वो काम जो 10 लाइनों में हो रहा है उसको 5 लाइनों में करे, तो जी सर, इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये देख, ओके सर, यहाँ पूछ रहा है आउटलाइन द पर्पस ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस। आउटलाइन द पर्पज ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस, तो यहाँ पे आ जाएगा इट चेक दैट कोड मैचेस द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है ये लिख सकते हो।
जी इट चेक दैट अ टोकन कंफर्म विद द रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे वो इक्वल नहीं मिसिंग था उसको जी इक्वल असाइन कर देंगे। सिंटेक्स आर ओके सर सिंटेक्स एरर आर रिपोर्टेड, जितने भी सिंटेक्स एरर होंगे उनको रिपोर्ट किया जाएगा। अब पार्स की इज प्रोड्यूस, ठीक है, तो पार्स की बेसिकली एक तरह से एक सीक्वेंस होता है कि प्रोग्राम चलेगा क्या, किस सीक्वेंस चलेगा, किस सीक्वेंस से चलेगा उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके सर अ वर्चुअल मशीन, ये भी हमने पढ़ लिया था, इज यूज्ड टू एमुलेट अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। डिस्क्राइब टू बेनिफिट एंड वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अ वर्चुअल मशीन फॉर दिस पर्पज। ये हमने पीछे पढ़ा था वर्चुअल मशीन लास्ट टाइम, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। जी अ सर वर्चुअल मशीन इज यूज्ड टू एमुलेट अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। डिस्क्राइब टू बेनिफिट एंड वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग वर्चुअल मशीन फॉर दिस पर्पज। बेनिफिट क्या ओके है? सर न्यू सिस्टम कैन बी ट्राइड ऑन डिफरेंट वर्चुअल हार्डवेयर, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। विदाउट नीड टू परचेज द हार्डवेयर, ठीक है ना, कह रहा है न्यू सिस्टम कैन बी ट्राइड ऑन डिफरेंट वर्चुअल हार्डवेयर विदाउट नीड टू परचेज द हार्डवेयर। ओके इजियर सर टू रिकवर इफ सॉफ्टवेयर एमुलेटिंग द न्यू कंप्यूटर कॉजेस सिस्टम क्रैश, क्योंकि ये वर्चुअल है, इजियर टू रिकवर हो जाता है। एज वर्चुअल मशीन जी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अदर सॉफ्टवेयर, और वर्चुअल मशीन सबसे बड़ा बेनिफिट ये बेसिकली हर सॉफ्टवेयर को सेपरेट रखता है। तो हर सॉफ्टवेयर को लगता है ओके सर हार्डवेयर का एक्सेस मुझे मिला हुआ है, लेकिन बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे हर एक की वर्चुअल मशीन है, सेपरेट सेपरेट होगी। एमुलेट प्रोग्राम फॉर द न्यू कंप्यूटर सिस्टम दैट आर नॉट कंपैटिबल विद द होस्ट कंप्यूटर, तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि अगर सॉफ्टवेयर जो है वो होस्ट कंप्यूटर से कंपैटिबल नहीं है भाई, फिर भी उसके प्रोग्राम को चलाएगा। एमुलेट एमुलेट प्रोग्राम फॉर द न्यू कंप्यूटर सिस्टम दैट आर नॉट कंपैटिबल विद द होस्ट कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग गैस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द ओल्ड कंप्यूटर। गैस ऑपरेटिंग सिस्टम ओके एक्टिवेट कर सर देगा, इससे आपका जो एक्चुअल हार्डवेयर है वो डिस्टर्ब होने से बच जाएगा। मोर देन वन न्यू कंप्यूटर सिस्टम कैन बी इमुलेटेड, क्योंकि वर्चुअल मशीन एक से ज़्यादा जनरेट की जा सकती है, ठीक है, एक तरह से एज ए हार्डवेयर काम कर रहा है, तो दिस अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू को एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, एक ही मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो ये बेनिफिट। अब ओके लिमिटेशन सर क्या है? वर्चुअल मशीन मे नॉट बी एबल टू इमुलेट द न्यू हार्डवेयर, समटाइम ये भी हो सकता है कि न्यू हार्डवेयर को एमुलेट ना कर पाए, बिकॉज दिस हार्डवेयर मे हैव बीन डेवलप्ड सिंस द वर्चुअल मशीन वॉज डेवलप्ड, यानी जब आप वर्चुअल मशीन डेवलप कर रहे थे या तो उससे इसके बाद ये बना है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि हार्डवेयर नया हो और वर्चुअल मशीन पुरानी हो। यूजिंग वर्चुअल मशीन मीन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा कोड, और वर्चुअल मशीन माइट नॉट बी एज एफिशिएंट, और रिसोर्स मेमोरी और प्रोसेसर टाइम आर शेयर्ड, तो प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज और परफॉर्मेंस डिक्रीज, क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है वो कह रहा है कि एक तरह से वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा कोड आपको रन करना पड़ेगा। अब वर्चुअल मशीन माइट नॉट बी एज एफिशिएंट बिकॉज ये रिसोर्सेज जो है जैसे मेमोरी और प्रोसेसर टाइम आर शेयर्ड, दोनों का टाइम शेयर हो रहा होगा, इससे प्रोसेस टाइम इंक्रीज हो जाएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। यूज ऑफ वर्चुअल मशीन ओके सर इंक्रीज द मेंटेनेंस ओवरहेड, इससे मेंटेनेंस ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बोथ होस्ट सिस्टम एंड वर्चुअल मशीन मस्ट बी मेंटेन, तो किसी टाइम भी हार्डवेयर क्रैश हो गया तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, और सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो वो वर्चुअल मशीन का सेटअप ही चलेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट और वन लिमिटेशन आपने बताया। ओके सर अ नंबर ऑफ प्रोसेसर आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ कंप्यूटर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस, ठीक है। अ प्रोसेस कैन बी इन वन ऑफ थ्री स्टेट, रनिंग, रेडी और, ये भी इन्होंने एक हिंट दिया, नहीं इसका नहीं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस, तो याद है कुछ? ओके ये प्रोसेस के ना तीन स्टेट होते हैं, रनिंग, रेडी और प्रोसेस, तो इसको हम ऐसे कहते हैं प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्स और आईओ ऑपरेशन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेट। When IO operation completed, process goes into ready queue, ready state, ठीक है, और block से यानी block to ready, ये process के तीन state हो सकते सर हैं, process के तीन state हो सकती है, block से ready, block to ready का मतलब है process is waiting for resource, यानी इसको input output resources की requirement है, जब वो free होंगे तो इसको इस process को ये access मिलेगा। IO operation to ओके सर complete block state, When आई ऑपरेशन कंप्लीटेड प्रोसेस गोज इन टू रेडी, यानी रेडी स्टेट की तरफ चला जाता है।
अब रनिंग टू रेडी, व्हेन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट इज एलोकेटेड अ टाइम स्लॉट, कह रहे हैं व्हेन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट इज एलोकेटेड टाइम स्लॉट, इसको टाइम स्लॉट मिल जाएगी प्रोसेसर की, यानी रनिंग स्टेट में होगा, और प्रोसेस इज एलोकेटेड टाइम ऑन प्रोसेसर, ठीक है ओके ओके। या तो ये बता दोगे या फिर ये इनमें से कोई नीचे वाला बता दोगे, या तो ब्लॉक टू रेडी स्टेट बता दोगे या रनिंग टू रेडी स्टेट बता दोगे, तो किसी एक को बता दोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। व्हेन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट इज एलोकेटेड अ टाइम स्लॉट टाइम स्लाइस, यानी रनिंग स्टेट, और प्रोसेस इज एलोकेटेड टाइम ऑन प्रोसेसर, व्हेन टाइम स्लाइस कंप्लीटेड और इंटरप्ट अगर प्रोसेस कैन नो लॉन्गर यूज प्रोसेसर इवन दो इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग रेडी स्टेट, कह रहा है जब टाइम से कंप्लीट भी हो जाएगा या जो इंटरप्ट अकर हुआ है, कह रहा है प्रोसेस कैन नो लॉन्गर यूज प्रोसेसर इवन दो इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग रेडी स्टेट, यानी फर्दर प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर सकता है। ओके सर। अच्छा अब ये कह रहा है पर ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस इज मूव फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट टू द सेकेंड स्टेट, डिस्क्राइब द कंडीशन दैट कॉज कॉज ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, यानी प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी चला जाएगा, फ्रॉम रेडी टू रनिंग चला जाएगा, फ्रॉम रनिंग टू ब्लॉक चला जाएगा, ये 3 स्टेट होती है रेडी रनिंग और ब्लॉक, तो कब वो ओके सर। जाएगा फ्रॉम रनिंग टू रेडी ये बताना है, ठीक है, कब वो फ्रॉम रेडी टू रनिंग जाएगा, यहाँ रनिंग टू रेडी है या रेडी टू रनिंग, और यहाँ रनिंग टू ब्लॉक है। अब जैसे टू बी ब्लॉक स्टेट प्रोसेस मस्ट इनिशिएट सम आयो ऑपरेशन, यानी जब ब्लॉक स्टेट में जाएगा टू बी इन ब्लॉक स्टेट प्रोसेस मस्ट इनिशिएट सम आयो ऑपरेशन, टू इनिशिएट ऑपरेशन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग, ये प्रोसेस इन रेडी स्टेट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटिंग और मस्ट बी इन रनिंग स्टेट, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो रनिंग स्टेट में होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब जी सर। ओके कह रहा एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोसेस कैन नॉट बी मूव फ्रॉम ब्लॉक स्टेट टू द रनिंग स्टेट, यानी वो ब्लॉक स्टेट से रनिंग स्टेट में क्यों नहीं जा सकता, वो स्टेट बताया, या तो एग्जिट कर गया या टर्मिनेट हो गया, ठीक है, या कंप्लीट हो गया, व्हेन द प्रोसेस हैज फिनिश एग्जीक्यूशन इस इन इन दैट सेंस एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोसेस कैन नॉट बी मूव फ्रॉम द ब्लॉक स्टेट टू द रनिंग स्टेट, तो कह रहा है एग्जिट और टर्मिनेशन और कंप्लीशन, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कर, हाँ एक सेकेंड में जी सर। हाँ एक सेकेंड।
अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ प्रोसेस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ कंप्यूटर, अ प्रोसेस कैन बी इन वन ऑफ थ्री स्टेट रनिंग रेडी और डॉक। तो आपने बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस इज मूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट टू द सेकंड स्टेट, डिस्क्राइब द कंडीशन दैट कॉज ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोसेस, फ्रॉम ब्लॉक टू रेडी और फ्रॉम रनिंग टू रेडी। कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट टू द सेकंड स्टेट, क्या कंडीशन कंडीशन डिफाइन करनी है दैट कॉज ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोसेस। जैसे पहला है फ्रॉम ब्लॉक टू रेडी, ब्लॉक टू रेडी कब होगा, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, ब्लॉक टू रेडी कब होगा, प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्स और आई ऑपरेशन टू कंप्लीट, ब्लॉक स्टेट, यानी जब तक आई ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता ये ब्लॉक स्टेट पर खड़ा रहेगा। देन आई ऑपरेशन कंप्लीटेड प्रोसेस गोज इनटू रेडी क्यू, जब आई ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट पर चलाएगा, ओके ठीक है। सर, अच्छा सेकंड बताया उसने कि फ्रॉम रनिंग टू रेडी कब होगा, रनिंग टू रेडी व्हेन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, इट इज एलोकेटेड अ टाइम स्लाइस, जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है तो उसको टाइम स्लाइस असाइन कर दिया जाता है, यानी प्रोसेसर इज रेडी टू एग्जीक्यूट और प्रोसेस इज एलोकेटेड टाइम ऑन प्रोसेस, ये प्रोसेस को एक प्रोसेसर का टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। व्हेन टाइम ओके स्लाइस सर, कंप्लीटेड और इंटरप्ट अकर्स प्रोसेस कैन नो लॉन्गर यूज प्रोसेसर इवन दो इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग रेडी स्टेट, ये दो कंडीशन बता दी, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोसेस कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम द रेडी स्टेट टू द ब्लॉक स्टेट। अब इसके पीछे क्या रीजन है, ये दिए हैं तीन रीजन कि एक तो ये है कि टू बी ब्लॉक स्टेट प्रोसेस मस्ट इनिशिएट सम आई ऑपरेशन, टू इनिशिएट ऑपरेशन प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग, किसी भी प्रोसेस इनिशिएट करें तो उसमें एग्जीक्यूटिंग स्टेट पे हो, ये प्रोसेस इज रेड इन रेडी स्टेट, ये प्रोसेस इन रेडी स्टेट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटिंग मस्ट बी इन रनिंग स्टेट। अगर रेडी स्टेट पे है तो कह रहा है कि एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसको रनिंग स्टेट पे होना चाहिए, रनिंग एग्जीक्यूट, ठीक है। ओके सर, ओके okay. और फिर कह रहा है प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट कैन चेंज इट्स स्टेट टू समथिंग विच इज नाइदर द रेडी स्टेट नॉर द ब्लॉक स्टेट, नेम दिस स्टेट। तो कह रहा है प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट कैन चेंज इट्स स्टेट टू समथिंग विच इज नाइदर द रेडी स्टेट नॉर द ब्लॉक स्टेट, नेम दिस स्टेट। इसको हम कहते हैं एग्जिट या टर्मिनेशन या कंप्लीशन, ठीक है। ओके सर, आइडेंटिफाई व्हेन अ प्रोसेस वुड एंटर दिस स्टेट, तो ये बताना होगा व्हेन द प्रोसेस हैज फिनिश एग्जीक्यूशन, जब आप किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुकी होगी तो फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते। ओके सर, फिर कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ लो लेवल स्केड्यूलर इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक हाई लेवल होता है एक लो लेवल स्केड्यूलर, ठीक है। कह रहा है लो लेवल स्केड्यूलर क्या होता है, डिसाइड विच ऑफ द प्रोसेस इन रेडी स्टेट, डिसाइड विच आर द प्रोसेस इन रेडी स्टेट शुड गेट टू द प्रोसेसर और बी पुट इन रनिंग स्टेट बेस्ड ऑन पोजिशन और प्रायोरिटी इन वोक आफ्टर इंटरप्ट और ओएस कॉल। लो लेवल शेड्यूल कब काम करेगा, डिसाइड विच आर द प्रोसेस इज रेडी स्टेट शुड गेट टू द प्रोसेसर और बी पुट इन रनिंग स्टेट, ठीक है, उस पर यह काम करेगा लो लेवल स्केड्यूलर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके सर जी, ये काफी मैं आपके उसके नोट्स भेज दूंगा ताकि आप उसको वहां से रिवाइज भी कर लें। ओके सर।